डॉक्टर प्रमेश आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे सर हालांकि आपका बयान अब सार्वजनिक है काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है दो जो संबद्ध रहे हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से उनके द्वारा साइन भी है लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं सर जिन पर आप लोगों को आपत्ति है जो सिद्धू साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है मेडिकल so, मेडिसिन में कभी भी कोई नया ट्रीटमेंट का रेकमेंड करते हैं उस वो एक काफ़ी रेगुरस प्रोसेस अंडर गो करके उसके बाद ही वो हम रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ चीज़ें जो छोटे स्टडीज में काफ़ी फायदा हुआ जैसा लग रहा था तो जब भी प्रॉपर साइंस और रिसर्च के साथ किया तो उसमें पता चला है कि एक तो उसका फायदा नहीं है कभी कभी कभी, कभी उसका नुकसान भी हो सकता है तो कभी भी मॉडर्न uh, मेडिसिन में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कभी भी कुछ नया ट्रीटमेंट हम रेकमेंड करने से पहले ये प्रूफ आना ज़रूरी है कि वो उसका इफेक्ट है और उसका साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है करके ये प्रोसेस के हिसाब से जो भी मिस्टर सिद्धू ने सजेस्ट किया था जो जो हल्दी का था नीम का था बिना शुगर का डाइट था उसमें कोई भी कभी भी कुछ कोई भी स्टडी में अभी तक कुछ प्रूफ आया नहीं है कि उसमें कैंसर का इलाज हो सकता है करके उसमें बहुत सारा दूसरा कुछ फायदा हो सकता है लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो कभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो काम करेगा इसीलिए ये ऐसा ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहला जरूरी है कि उनका एविडेंस बेस का जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए क्योंकि काफी बार पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि ऐसा अनप्रूवन रेमेडीज के पीछे पड़ता है और तीन छह महीने के बाद आते हैं और वो स्टेज टू स्टेज थ्री से बहुत एडवांस स्टेज में होता है जहाँ क्योर का सवाल ही नहीं होता है सर बट right, एक इसमें काउंटर के ये आता है सर कि ये एक वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट हो चुका है ऑल्टरनेटिव कैंसर थेरेपीज में फास्टिंग नेचुरल फ़ूड अवेलेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट तो है लेकिन इसके बावजूद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और पूरी दुनिया में हमने देखा है कि इस इस, इस ये जो अल्टरनेटिव कैंसर थेरेपीज़ हैं इससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की भी भरमार है मतलब यूएस से लेकर भारत तक में काफ़ी भरमार है इनकी और दावे किए जाते हैं कि साहब ये बड़ी हेल्प भी करते हैं तो आप लोगों की आपत्ति क्या इस बात पर है कि ये पूरी तरह से फेक है या आप ये कह रहे हैं कि हेल्प जरूर करते हैं लेकिन पूरी तरह से मुकम्मल निदान नहीं देते इसका दो हैं एक तो वो हेल्थ के लिए नॉर्मल हेल्थ के लिए कुछ भलाई होता है कि नहीं दूसरा नहीं। 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 ये है कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए वो रेकमेंड कर सकते हैं कि नहीं जो पहला चीज में हमारा ज्यादा कुछ ये नहीं है क्योंकि उसमें डायरेक्टली कोई एटलीस्ट नुकसान तो नहीं हो सकता है करके हम लोग उसका ज्यादा अटेंशन नहीं देते लेकिन काफी बार क्या होता है कि वो जब कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर अच्छा हो जाएगा ऐसा कुछ बताया तो फिर काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं दूसरा कोई ट्रीटमेंट एक्चुअल जो ट्रीटमेंट प्रूवन इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो उसको निगलेक्ट हो जाता है यही हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है ऐसा रिकमेंडेशन कुछ करने में okay. और बाकी का भी जब भी वो हेल्थ के लिए शुरू होता है उसका काफ़ी उसमें एडवर्टाइजमेंट्स में चला जाता है एक्चुअल साइंस उसके पीछे काफ़ी कम रहता है जैसे मैंने पहले बताया था कभी भी मेडिसिन में कोई प्रोग्रेस होना चाहिए तो उसका अच्छा रिग्रेस स्टडीज करके उसमें प्रूव होना चाहिए कि उसमें फायदा होता है उसके बिना हम ऐसा लूजली उसको रिकमेंड नहीं कर सकते कर सकते हैं। हम्म ऑलराइट सर कैंसर को लेकर तो कोई विवाद नहीं है इनफैक्ट सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं हम भी उनके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं बहुत अच्छी बात है कि उनका अब वो पूरी तरह से ठीक है कैंसर से उबर चुकी हैं लेकिन कैंसर किस चीज़ से ठीक हुआ इस पर विवाद है सिद्धू साहब का कहना है कि घरेलू नुस्खे और जो उन्होंने हल्दी और लाइफस्टाइल चेंजेस और नीम वगैरह का जो किया उस वजह से हुआ जबकि डॉक्टर्स का ये मानना है खासतौर से आ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का ये मानना है जिसमें दो डॉक्टर्स ने हस्ताक्षर भी किए हैं आ, कि ये धारणा गलत है आ, और कीमोथेरेपी और बाकी जो उपचार हुआ ये उसकी उसका ही देन है डॉक्टर प्रमेश सर एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है उसमें सिद्धू साहब ने ये दावा किया कि डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे जो उनका इलाज कर रहे थे एलोपैथिक तरीके से और उन्होंने उनका ये कहना था कि साहब इस स्टेज में तो दो से तीन प्रतिशत चांसेज ही हैं तो ऐसे में वो पूरी तरह से रिकवर हो गए इसके पीछे आप क्या मानते हैं सर वो उनका पूरा क्लिनिकल केस के डिटेल्स के बिना मैं बात करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आ, जो भी वो डॉक्टर ने बताया उसका बेसिस क्या था वो आ, मुझे मालूम नहीं है और उसके बारे में आ, कुछ आ, कमेंट करना भी गलत है लेकिन नॉर्मली कभी भी एक आ, आ, कैंसर आ, का पेशेंट को हम इलाज देते हैं हम उनको एक, एक एस्टिमेटेड ऑप्शन ऑफ सर्वाइवल कितना हो सकता है हम उसका एस्टिमेटेड देते हैं लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि ये सिर्फ एस्टिमेट रहता है और ये उन्होंने तीन परसेंट बोला कि पाँच परसेंट बोला कि पचास परसेंट बोला मुझे मालूम नहीं है लेकिन ये एस्टिमेट एक पेशेंट के लिए वो ज्यादा कुछ मतलब नहीं है तो आप फिफ्टी परसेंट चांस बोल सकते हैं सर्वाइवल के लिए लेकिन एक खुद का एक पेशेंट के लिए सिर्फ या हंड्रेड होता है या जीरो होता है तो ये ऐसा नंबर्स के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं और स्पेशली जब भी मुझे एग्जैक्टली exactly मालूम नहीं है कि उन, उन, उनका डॉक्टर ने उनको एग्जैक्टली exactly क्या बताया उसके बारे में मुझे कमेंट कर, करना आ, ठीक नहीं है uh, सर जो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहे हैं उनके डॉक्टर का भी बयान हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कथित रूप से जो मीडिया में रिपोर्टेड है आ, हमारे पास तो उनका कोई डायरेक्ट बयान नहीं आया है लेकिन जो रिपोर्टेड है वो ये है कि वो खुद चौंके हुए वो कह रहे हैं कि ये चमत्कार है और उन्होंने लाइफ में जो चेंजेस किए हैं शायद आ, उसका और इतना तेज़ जो रिकवरी हुआ है इट्स uh, मेरेकल uh, कुछ इस तरह से वो संकेत दे रहे हैं तो क्या वाकई में फोर्थ स्टेज से बाहर आकर किसी का पूरी तरह से ठीक हो जाना ये ही है या ये 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 जो कन्वेंशनल थेरेपी है हमारी एलोपैथिक uh, थेरेपी भी जो है ये उसमें पॉसिबल है सर मैं ये पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ लेकिन काफी सारा सिचुएशन में स्टेज फोर कैंसर भी क्यूरेबल है जिसमें कुछ कैंसर में स्टेज फोर में भी चालीस टक्का पेशेंट बिल्कुल ठीक ठीक क्योर हो के बिल्कुल हो जाते हैं तो ये बोलना गलत है कि हर आ, स्टेज फॉर कैंसर एक जैसे ही है क्योंकि काफी सारा आ, आ, कैंसर जो रहता है कोलोरेक्टल कैंसर रहता है ब्रेस्ट कैंसर रहता है जिसमें फो, फोर्थ स्टेज में भी तीस चालीस टक्का तक, तक आ, आ, उनका पूरा क्योर होने का चांसेस तो है ऑल राइट सर मैं क्विकली आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास है ये भी कहा जा रहा है सर की बहुत सारे जो 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 हर्ब्स कही जाती हैं उनमें जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं अश्वगंधा में कहा जाता है कि वितेनोलाइड्स हैं टर्मरिक में कहा जाता है आजकल बड़ा चर्चा है उसकी पूरी दुनिया में करक्यूमिन है नीम के अंदर माना जाता है कि साहब निम्बिन है या निम्बोलाइड है इसी तरह से तुलसी में इगनॉल है ये कहा जा रहा है पूरी दुनिया में कि साहब कि इनके अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कैंसर ठीक हो सकता है क्या आप लोग इस पर विश्वास रखते हैं सर देखिए अभी इवन मॉडर्न मेडिसिन में भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में भी काफी सारा मेडिसिन प्लांट प्रोडक्ट से ही डेवलप होता है फॉर एग्जांपल टैक्सॉल करके जो कीमोथेरेपी का ड्रग है वो प्लांट से ही मिलता है तो हुँ. काफी सारा प्लांट प्रोडक्ट्स मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में उसका एक्टिव इंग्रीडियंट रहता है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रहता है लेकिन सिर्फ उसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है करके हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये कैंसर के लिए इलाज हो सकता है क्योंकि लैब में जो होता है जबी कैंसर का सेल वो ऐसा मेडिसिन कर सकते हैं लेकिन सेम मेडिसिन जब भी ह्यूमन बींग्स में देते हैं वो काम नहीं करता है इसीलिए फाइनल एसिड टेस्ट ये है कि ह्यूमन बींग्स में उसको वो ट्रीटमेंट देने के बाद उसका फायदा होना और ये भी प्रोसेस करेक्ट नहीं है कि सिर्फ सौ पेशेंट्स को दे दो उसमें चालीस पेशेंट ठीक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो काम कर रहे है। हमको एक्जैक्टली इसका रिग्रेस प्रोसेस है, एक रैंडमाइज ट्रायल करके एक प्रोसेस है जिसमें आधा पेशेंट्स को नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलता है आधा पेशेंट्स को नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लस नया ट्रीटमेंट मिलता है और उसमें हमको प्रूव करना चाहिए कि ये नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लस नया ट्रीटमेंट जिसको मिल रहा है उनका आउटकम्स अच्छा है करके सिर्फ ये प्रोसेस होने के बाद ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक दवाई का फायदा है कि नहीं है